जनपद में पीआरवी के द्वारा पशु तस्करों का पीछा करने पर उनके पत्थरों से वाहन क्षतिग्रस्त हुआ, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि शुक्रवार की रात में सूचना प्राप्त हुई थी कि पशु तस्कर शहर में प्रवेश किए हैं, जो पशुओं को उठाने की फिराक में है। इस सूचना पर शाहपुर थाना प्रभारी व सीओ कैंट उनकी घेराबंदी में लग गए तथा चौरी चौरा सर्कल से भी 3 थानों की फोर्स घेराबंदी में लग गई। पशु तस्करों का पीछा पीआरवी 112 ने किया, जिस पर पशु तस्करों ने पत्थर से हमला किया, जिससे पीआरवी 112 क्षतिग्रस्त हो गए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मेरे द्वारा पशु तस्करों का पीछा किया गया तो मेरी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई, पशु तस्करों को नाकाबंदी करके पकड़ने का प्रयास किया गया तो वह किसी रास्ते से निकल गए। पशु तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है और गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है, जिसके संबंध में गुलेरिया व शाहपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, में ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ पशु तस्कर शहर में प्रवेश किए हैं, जो कि पशुओं को उठाने की फिराक में हैं। इस सूचना पे थाना शाहपुर, सीओ कैंट और अन्य अधिकारी और थाना प्रभारी उनकी घेराबंदी में लग गए और चौरी चौरा सर्किल से भी 2-3 थाना प्रभारी नाकेबंदी में लग गए। उसी समय पीछा करते समय एक पीआरवी 112 को पीछा करते समय ही उनके द्वारा पथराव किया गया पशु तस्करों द्वारा, जिससे उसका एक शीशा क्षतिग्रस्त हो गया है। हम लोगों द्वारा नाकाबंदी करके और उनको पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन अंततः वो किसी बीच के रास्ते से निकल गए। पानी के साथ लगातार उनकी दबिश दी जा रही है और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अभी 3-4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है और बाकी जो भी अभियुक्त हैं उनको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। इस संबंध में थाना गुलरिया व थाना शाहपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया है।